नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, हम आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है आज झारखंड स्थापना दिवस। सीएम ने कई योजनाओं का किया आगाज, युवाओं को सौंपे ऑफर लेटर। बिरसा मुंडा के गांव पहुंचने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी। ढोल मंदार से आदिवासी परंपरा के साथ हुआ स्वागत। डुमरी में लोगों ने धूमधाम से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा। इसरी बाजार व्यापार मंडल के लोगों ने किया आयोजन। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर भाकपा माले ने निकाली संकल्प यात्रा। यात्रा में भाकपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में छठ घाट की सफाई में जुटे समाजसेवी पारसनाथ मिश्रा। मशीन और ट्रैक्टर के जरिए घाट को किया जा रहा है समतल। खबरें विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इस दिन को खास बनाने के लिए राज्य के मोरहाबादी मैदान में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में सीएम हेमंत सोरेन कई युवाओं को ऑफर लेटर सौंपते नजर आए। इसके अलावा वो राज्य के लिए कई योजनाओं का ऐलान करते भी दिखाई दिए। क्या कुछ रहा प्रोग्राम में, दिखाते हैं आपको। मैं सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में अपनी वंदना करता हूं, स्पर्श करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं भारत माता को। टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्टेट झारखंड, आवर भगवान बिरसा मुंडा जी इस बर्थडे, एंड दैट डे इज द फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड आल्सो। And our Pradhan Mantri, myself, and our Chief Minister, we Arjun Mundaji, the Union Minister, and Annaborni ji, all are together in the morning that Birsa Mundaji's birthday is being declared as the Tribal Day of the Nation. आज का दिन झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है, और उनके वहां मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और आज एक जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने भी एक आगाज किया है। आज संयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों का विलंब से होने का वजह भी वो एक था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे राज्य में थे, और इस वजह से थोड़ा आज हमारा ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं झारखंड एक पिछड़े राज्यों में गिनती में लगभग पहले पायदान पर है, आदिवासी बहुल राज्य भी है, और इस राज्य में पिछड़ापन सिर्फ गरीबी का ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरीके के पिछड़ापन इस राज्य में आपको मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ हमारे इस राज्य के जो जनता है, यहां राज्य में जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी हैं वही पिछड़े हैं, लेकिन यहां की प्राकृतिक व्यवस्था में कोई पिछड़ापन नहीं है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में
पूरे देश का 42%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय आदिवासी कार्यकर्ता और लोकनायक बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर माल्यार्पण कर आदिवासी नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओली हातू दौरे के दौरान वहां के लोगों ने नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में स्थानीय लोगों ने ढोल और मंदार से की धुन पर डांस भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकनायक बिरसा मुंडा के पैतृक गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। साथ ही प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी पहुंचे, वहां उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ता और लोकनायक बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हातू से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज डुमरी के श्री बाजार व्यापार मंडल में कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम से आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। इस दौरान समाज के लोगों ने कलम दवात की पूजा कर अपने इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त की आराधना की। वहीं समाज के लोगों ने पूजा के बाद बहरियारी भोजन का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं पूजा के बाद समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपने वार्षिक लेखा जोखा पेश किया और पूजन के बाद समाज के सदस्य रवि सिन्हा ने बताया कि पूजन के बाद समाज के लोगों के लिए सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया और गुरुवार को भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा विसर्जन भव्य शोभा यात्रा के साथ निकाली जाएगी। जमशेदपुर लोक आस्था के महापर्व छठ घाट की साफ सफाई में जुटे समाजसेवी सह शिक्षाविद पारस नाथ मिश्रा ने बताया जा रहे हैं कि बागबेड़ा बदोड़ा घाट में 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा की तादाद होती है और प्रशासन और विभिन्न संगठनों और पंचायत जन प्रतिनिधियों के द्वारा हमेशा साफ सफाई की जाती है। वहीं आज जमशेदपुर शहर के समाजसेवी और शिक्षाविद पारसनाथ मिश्रा भी अपने योगदान काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दे रहे हैं। वहीं जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के माध्यम से घाट को समतल किया जा रहा है, साफ सफाई और कंकड़ को हटाने का काम भी किया जा रहा है ताकि छठ व्रतधारी को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस बार यहाँ के रिवर व्यू और यहाँ के स्थानीय युवकों ने मुझसे संपर्क किया, तो ये मैं अपने व्यक्तिगत खर्च पर अपने साथियों के साथ मिलकर, अभी विपिन जी हैं, गुना जी हैं, सुनील जी हैं, सब लोग हम लोग साथ में हैं, तो अपने व्यक्तिगत खर्च पर ये पूरा साफ सफाई का अभियान हम लोग चला रहे हैं और घाट का समतलीकरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं।
धनबाद झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर भाकपा माले द्वारा एक संकल्प यात्रा धनबाद स्टेशन से लेकर बैंक मोड़ बिरसा मुंडा चौक तक निकाली गई। इस यात्रा में भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भाकपा माले के संदीप कौशल ने बताया कि आज 9 साल बीत जाने के बाद बीजेपी सरकार को झारखंड की याद आई है और भगवान बिरसा मुंडा का गांव याद आया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पहले कभी झारखंड झारखंडी भाइयों का ख्याल उनके मन में नहीं आया? जो सपना भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी भाइयों के लिए देखा था, क्या वो बीजेपी की सरकार में पूरा हो पाया है? आज कितने पढ़े लिखे नौजवानों को यहाँ रोजगार मिला है? या देखने वाली बात है कि आने वाला चुनाव में जनता इसका पूरा हिसाब लेगी और जब जवाब देने का काम किया जाएगा। पूरे झारखंड की शुरुआत है, यहाँ की नई राजनीति की शुरुआत हुई है। भाकपा माले आज अपने संकल्प यात्रा के दौरान अपने हर जगह उपस्थिति अब दर्ज करवाएगी, चाहे जहाँ पर भी हो, जिस जिले में आप चले जाइए वहाँ इनकी उपस्थिति आप देखेंगे। और ये जो भाजपा की सरकार है, घड़ियाली आंसू दिखाकर आज जो यहाँ की जनता को छलने का काम कर रही है, इसके खिलाफ आज भाकपा माले ने एक बिगुल फूंक दिया है। ये घड़ियालू आंसू जो ये दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग, आज देखिए जाकर बिरसा मुंडा की जो उनके आवास वहाँ जहाँ उनके स्थान है वहाँ पर जाकर आज वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जब इनके राजनीति के दिन नजदीक आ गए हैं, जब वोट मांगने के दिन आ गए हैं, तो उनको बिरसा मुंडा याद आ रहे हैं, सभी लोग याद आ रहे हैं। आज जब 4 साल उन्होंने पूरा एक क्षेत्र राज किया, तब कहाँ थे वो, ये इनको नहीं दिख रहा था। आज देखिए BHU में स्थिति, आज एक BHU में एक वहाँ की महिला एक बेटी के साथ यौन अत्याचार हुआ उनके साथ में, बीजेपी की सरकार वहाँ पर भी मौजूद होने के बावजूद इस तरह की स्थिति हो रही है। तो ये सिर्फ छलने का काम कर रही है। महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया जा रहा है। दुमका के डोडा एवं पुलिस अधीक्षक दुमका पीताम्बर सिंह खेरवार, अनुमंडल पदाधिकारी दुमका, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दुमका ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुलिस अधीक्षक ने भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए जिलेवासियों को झारखंड स्थापना दिवस की बधाई दी। उपयुक्त दुमका ने कहा कि बिरसा मुंडा की बलिदान को याद करते हुए हम लोगों को उन्हीं के कदमों चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए और आज के दिन ही उनके बलिदानों को याद कर हम झारखंड वासियों को उन्हें नमन करना चाहिए। दर साहिबगंज जिला 24वें झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज जिले के सिदो कान्हो सभागार में जिला स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद विजय हांसदा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा उपयुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रवि जैन, अपर समाहर्ता विनय मिश्रा और जिले के वरीय अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और सभी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। मौके पर पारंपरिक स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया गया, जबकि माननीय मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगणों को पुष्प कुछ भी प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने माननीय मुख्य अतिथि का जिला स्तरीय प्रोग्राम में सम्मिलित होने पर शुक्रिया अदा किया। जमशेदपुर परसुडीह थाना क्षेत्र के कोचाकोली में निर्माणाधीन सरकारी स्कूल के परिसर में एक बुजुर्ग महिला ने भवन के बाहर बंधे बांस में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का नाम राय मुनि था। किसी तरह से भीख मांगकर वो अपना गुजारा किया करती थी और कोचाकोली स्थित बन रहे सरकारी स्कूल के भवन के बाहर रह रही थी। आज सुबह अचानक स्थानीय लोगों ने भवन के बाहर लगे बांस में रस्सी के सहारे महिला को लटका पाया और इसकी जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई, जहां पंचायत प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और परसुडीह पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई। के द्वारा खबर मिला कि स्कूल में कोई फांसी लगाई है। फांसी लगाई कि क्या कि कैसे हुआ, ये सब हमको नहीं जाना। कब कब आपको घटना का? आज सुबह। कितने बजे? सुबह 7 की 8 बजे इसके बीच में। महिला मालूम है कि कहाँ? महिला तो यहीं पर रहती है, थोड़ा खाना उना मांग के खाती है और यहीं स्कूल में ही सोती है। ठीक है, अंतिम छोर में स्कूल सरकारी भवन स्कूल बन रहा है, उसी के बांस में और एक महिला बुजुर्ग है और फांसी से लटका हुआ अपना जान दी है, ऐसा करके बस्ती वाला हमको, जब हम घर में थे उस समय वो लोग
हमको खबर किया। अवस्थी वाला से पूछने से पता चला इनका नाम रायमुनी है। चित्रा के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक वादी इरफा स्थित एएम सिद्दीकिया पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी और फूड फन का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सैयद मोहम्मद एजाजुल हक मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से की गई। मुख्य अतिथि को शॉल और बूके देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के संस्थापक हाजी मिस्टर वहाजुल हक और हाजी मोहम्मद अताउल्ला, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद खालिद को बूके देकर सम्मानित किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के क्लास एक से पाँच तक के तमाम स्टूडेंट्स ने आर्ट एंड क्राफ्ट का एक से एक बढ़कर प्रेजेंटेशन पेश किया। साथ ही प्रदर्शनी में आधुनिक एवं नवीन प्रोजेक्ट से भी अतिथियों अभिभावकों को ध्यान आकर्षित करने का मौका या प्रयास किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने उच्च कोटि की प्रदर्शनी प्रस्तुत की। इस प्रदर्शनी को मुख्य अतिथि अभिभावक गण एक एक करके अवलोकन कर छात्रों को सराहते नजर आए। मुख्य अतिथि ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों में वैज्ञानिक सोच, मानसिक एवं सामाजिक सोच, समझ और नवीन खोजों की उत्पत्ति की ओर प्रेरित करता है। बहुत ही अच्छा लगा और ये अच्छा इंतजाम है इनका। बच्चों के जो एग्जीबिशन थे बहुत ही अच्छे हैं और 21st सेंचुरी स्किल्स के जो चीज़ें होती हैं, जरूरत क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर में, क्रिटिकल थिंकिंग है, मैंने सवालात किए तो बच्चों ने जवाब दिए उसके। और जितने भी मॉडल्स थे सब फंक्शनल मॉडल्स थे, ऐसा नहीं है किसी वो देखने को लगा हो कि मॉडल है, बल्कि वो काम करने वाले मॉडल थे। अच्छा लगा यहाँ का जो लोग हैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका भी अच्छा कंसेप्ट क्लियर है इस मामले में। और मेरी दुआ है लोगों से कि ये सिचुएशन जो है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और उम्मत के लिए एक अच्छा काम कर रहा है ये इंस्टीट्यूशन, उस काम का अंजाम दें। शुक्रिया सर। लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्होंने जो शुरुआत की थी तो बहुत अच्छा से कुरान पाक की तिलावत की, तो अल्लामा इकबाल के जो अशआर हैं वो से मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह से जो करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकदीर भी फितना। तो इस तरह से जो लोग चीज़ें हैं हक की तरफ काम करना चाहिए और दीन को साथ लेके जब हम चलेंगे तो वो हमारी कामयाबी होगी दुनिया। जमशेदपुर मिराकी और अनिशा संस्था ने संयुक्त रूप से आज बाल दिवस के मौके पर, दरअसल कल इस प्रोग्राम को मनाया गया था जहां पर लोग पहुंचे और वहां पर बाल दिवस की तमाम सेलिब्रिटी पहुंचे हुए थे। अच्छा, हम लोग आए हैं कोटका से। क्या क्या देखी हो? हाथी, हिरण, बाघ, भालू, शेर। अच्छा, कैसा लगा आकर के? आकर बहुत अच्छा लगा, घूमने के लिए और जानवर जानकारी लेने के लिए। अच्छा, क्या क्या देखे? भालू, जल हाथी, चीता, पंछी सब देखे सर। अच्छा, बाल दिवस के अवसर पर अन्वेषा संस्था और मिराकी संस्था, दो संस्थाओं ने संयुक्त रूप से कोटका के कई सारे स्कूल के बच्चों को आज टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क का भ्रमण करवाने हेतु आज लाया गया है, ताकि बच्चों को ना सिर्फ जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना के साथ साथ पर्यावरण। अभी दिवाली में जो फटाके से जो भी जमशेदपुर में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जाने से पहले हेडलाइंस। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है आज झारखंड स्थापना दिवस। सीएम ने कई योजनाओं का किया आगाज, युवाओं को सौंपे ऑफर लेटर। बिरसा मुंडा के गांव पहुंचने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी, ढोल मंदार से आदिवासी परंपरा के साथ हुआ स्वागत। उमरी में लोगों ने धूमधाम से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा, इसरी बाजार व्यापार मंडल के लोगों ने किया आयोजन। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर भाकपा माले ने निकाली संकल्प यात्रा, यात्रा में भाकपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। जमशेदपुर में छठ घाट की सफाई में जुटे समाजसेवी पारसनाथ मिश्रा, मशीन और ट्रैक्टर के जरिए घाट को किया जा रहा है समतल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।